और कुछ दिनों से यहाँ पे इतनी कोई शदीद ठंड पड़ी हुई थी ना, इतनी कोई शदीद ठंड थी कि क्या बताए। हफ्ता हो गया था कोई धूप नहीं निकली थी, लेकिन ना अल्लाह का शुक्र है कल वाले दिन में मौसम ठीक था। दोपहर के टाइम में धूप निकल गई थी ना, एक बजे तक निकल गई थी, लेकिन ये कि सारा दिन ठंडी ठंडी या हवाएं थी, आई बड़ी ठंडी कि ना सोच के भी सर्दी लगती है। लेकिन ना आज जैसे ही हम लोग सुबह उठे ना, तो अमूमन जैसे कि रूटीन होती है सुबह उठो तो इसी देर में धूप निकल जाती है, तो आज सुबह भी भाई 8-9 बजे से धूप निकली हुई है और बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है। वो नहीं होते जो गर्मी वाले दिन होते हैं, गर्मी आ रही होती है और शुरू शुरू में हल्की सी ठंड होती है और गर्म गर्म धूप होती है, वो वाला दिन है। लेकिन बहरहाल इतने सर्दी के बाद जो धूप निकले हैं तो धूप में भी मज़ा आ रहा है, गर्म गर्म धूप। हाँ, तो अभी ना थोड़ी सी देर पहले मेरे बच्चे भी उठे हैं दोनों के दोनों ना, तो इनको जो कि लगी थी भूख, मैं तो पहले इनसे थोड़ी सी देर पहले उठ जाती हूँ, लेकिन ना मैंने भी कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्योंकि अभी बच्चे उठे हैं। बच्चों ने कहा मम्मा भूख लगी है, हानिया अशानू तो नहीं बोलता लेकिन हानिया बोलती है, तो हानिया ने कहा मम्मा भूख लगी है तो मुझे नाश्ता बना दो। तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया है और दोनों को ना अभी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। मैंने कहा धूप इतनी ज़बरदस्त निकली हुई है और घर तो हमारा अंदर से ना ठंडा या होता है बर्फ़ फूलना, क्योंकि न्यू घर है आपको पता है बड़ा ही ठंडा होता है, तो मैंने कहा बाहर बैठते हैं सुकून से ना नाश्ता करते हैं। आवाज़ कट करके दी है। अच्छा अच्छा की आवाज़ कम करके दी है, गुड गर्ल। हानिया तो बहुत अच्छी बच्ची, बहुत समझदार भी है हानिया। देखो हानिया साथ में पढ़ भी रही है, यहाँ पे लिख भी रही है, अपने कार्टून्स भी बना रही है और नाश्ता भी कर ली थी। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद बर्तन रख लिए हैं, किचन सेट कर लिया है और अभी जो कि अंदर हम लोग मौजूद हैं और अंदर ना भाई मैं आज सारी सफाई करवा रही हूँ। मेरी जो हेल्पर है ना वो भी आ चुकी हैं, तो ये कि सारा काम उनसे नहीं करवाते लेकिन फिर भी ये कि काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि वो इकट्ठे कपड़े धोते हैं, सफाइयाँ कर देती हैं और किचन मैंने साफ़ कर लिया, उन्होंने सफाई कर ली, यानी मिलजुल के काम कर लिए तो भाई काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आज जो कि धूप निकली हुई ना, मैंने सोचा आज जो है ना भाई सारी चादर जो भी ना वो धो ली जाए। वाह माशाल्लाह हानिया ने कितना प्यारा प्यारा लिखा है, हानिया ने यहाँ पे देखिए अल्लाह लिखा है, इतना प्यारा सा करके लिखा है ना, क्यूट सा, जितनी प्यारी हानिया ना उससे भी ज़्यादा प्यारा लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई हानिया बहुत लिखने लग गई है, यानी बहुत अच्छा अच्छा लिखने लग गई है। माशाल्लाह पहले ये लिखती थी डॉट्स के ऊपर, जब स्कूल जाएगी तब जाएगी, लेकिन आज क्योंकि सख्त धूप निकली हुई है तो आज मैंने प्लान बनाया बच्चों को नहलाने का। मैंने कहा भाई उनको जो साफ सुथरा किया जाए अच्छे से ना, क्योंकि धूप में तो बंदा ये कि खुद भी नहा कर नहीं लिखता तो बच्चों को क्या जबरदस्ती मिला है। तो बाहर बच्चों के कपड़े निकालते हैं जल्दी से, हानिया और शासिया दोनों को आज नहला के साफ सुथरा करके भी तैयार शेयर करके ना फिर आज इनको खेलने देते हैं, क्योंकि रोज नहीं नहाते तो आज धूप निकली हुई है कि नहा के धूप में बैठ जाएंगे इजिली, फिर सर्दी भी इतनी कोई नहीं लगनी। अच्छा हमेशा सही, मैं ना आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ घर बैठ के कमाने के जो भी जरिए होते हैं ना कुछ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कोई इसी तरह की एक चीज़ लेके आई हूँ, तो वो है पॉकेट ब्रोकर। तो आज मैं आप लोगों को ना पॉकेट ब्रोकर से थ्रेडिंग के हवाले से बताना चाहती हूँ। पॉकेट ब्रोकर के जो फीचर्स है ना वो बहुत ही आसान है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो भी करना बहुत आसान है और 5 सेकंड में आप सिर्फ अपने डेमो अकाउंट को असेस करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आप यहाँ पे हम मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको मिलेगा 60% तक का बोनस। रिसेंटली मैंने भी भाई कुछ टाइम से पहले यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू की है और दिन में 2 से 3 दफ़ा सिर्फ करती हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से 3 दफ़ा में ना माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। और इस चीज़ को ना देखते हुए ना जाहिर सी बात है अच्छा खासा अर्न होता है, हमारे घर के जो खर्चे ना वो भी अच्छे चल रहे हैं, छोटे मोटे बड़े खर्चे भी मुझे किसी से लेने नहीं पड़ते, ना ही हस्बैंड से ना ही किसी से। इसके देखते हुए ना मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं भाई आपके पास कहाँ से पैसे आते हैं, आजकल तो भी आप मुझसे बोलती नहीं हूँ, खुद ब खुद सारे खर्चे कर लेती हूँ, तो भाई कहाँ से आते हैं आपके पास, तो भाई कहाँ से आते हैं इस ट्रेडिंग से, तो भाई आप लोगों को भी बताते हैं कि वो कैसे। तो मैं आपको पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेड करके भी दिखाती हूँ जो कि बहुत बहुत इजी है ट्रेडिंग करना, बिल्कुल इसी तरह से आप करें और यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है ना वो आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से अपने जैस कैश में या इजी पे समय जहाँ पे आप चाहें ना, बहुत ही इजी तरीके से आप ना उसको विड्रॉ करवा सकते। तो भाई देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाएं और जाके पॉकेट ब्रोकर पर अपनी ट्रेडिंग शुरू करें। और हाँ मेरा प्रोमो कोड लगाना नहीं भूलना क्योंकि 60% आपको बोनस मिलना है, तो जल्दी से जाएं और अर्न करें। अभी 4 बज रहे हैं और थोड़ी सी देर पहले ना जस्ट हमें फ़ोन आया था कि हमारे ना कुछ इंटरव्यू वाले आने वाले हैं,
कल भी उन्होंने बताया था लेकिन ना टाइम नहीं पता था, तो जस्ट थोड़ी सी देर पहले बताया कि वो लोग अभी 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो भाई हमने जल्दी जल्दी से तैयारी की है, बच्चे तो वैसे ही दोपहर के टाइम में ही चले गए थे, हमने कहा धूप निकली हुई है भाई तो बच्चों का दिल वैसे भी यहाँ नहीं लगता इतना ना, वहां पे ये कि पूरी फैमिली है बच्चे हैं तो वहां पे उनको हमने भेज दिया, हमने कहा वहां पे खूलो खेलो कूदो ऐश करो। तो हम यहाँ पे भाई इंटरव्यू जो कि होना है आज, और जो मेरी सिस्टर थी ना जो मेरी कॉलोनी वाली फ्रेंड थी, तो वैसे वो आती जाती रहती है लेकिन ना ये इंटरव्यू वाले भी उनके जरिए आ रहे हैं, तो इस पर 5 मिनट में पता चल जाएगा। चलो भाई यहाँ पे रख दिया सारा कुछ, यहाँ पे हमें टेबल्स वगैरह रखनी है क्योंकि अब ये भी नहीं पता है 2 बंदे 3 बंदे 4 ये लेडीज जेंट्स सारे होंगे ना, तो कुछ रखनी है तो एक आध चटाई भी निकाल लेते हैं क्योंकि उनके आने से पहले हम जो है ना जगह सेट कर लें। मौसम आज काफी प्यारा बना, बड़ा बड़ा जबरदस्त धूप निकल आई है, फुल दबा के हुई है लेकिन साथ में इतनी ठंडी कोई हवा चल रही है ना, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त मौसम है, सर्दियों में धूप निकल आएगी चलो बड़ी बात है। शायद आ गए होंगे मेरे ख्याल से, आ गए होंगे देखो तुम। अभी तो नहीं आए, अभी तो बेचे खाली खाली है, आएंगे तो फोन कर देंगे दरवाजा चलो जा देंगे हम, तब तक जरूरी हमने ये भी खड़ा देना है, हम यहीं पे बैठ के उनका भी वेट करते हैं और चाय शाय का इंतजाम करना है, तो वो तो भाई उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग उनके हिसाब से करेंगे ना। अच्छा तेरे बाल किधर गए? बाल अपनी दादी दी कर गए बन के। अच्छा ए जेड एलवेन बेसिकली ए उर्दू च एलवेन असाइनेबल इंटरव्यू फ्रेंड इज रखी है, सो लाइक ते तुसा इन्हे तो ऑलरेडी घर देखे पाओ, सो इन्होंने अपने यूट्यूब ते चैनल बनाए और अपनी अर्निंग की है, ये सारी की एक गाइडनेस है कि जो लोग यूट्यूब ते काम करना चाहते हैं इन्हें को देख लो इन्होंने अपना किमें सैटअप किया हुआ है, हमेशा मकी में सोच है कि असा किमें यूट्यूब चैनल बनाओ अपनी अर्निंग करो। यूट्यूब चैनल देखें आज से दौर है हाथ के यूट्यूब चैनल बनाए, हाँ जी ठीक है, हाँ जी वल जेरी मजदूरी होंदी है, हाँ जी बीच ना ये कि पूरी नहीं थी जेरी में सोशल मीडिया पे हर बंदा आज हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो मतलब कोई भी काम ही नाल करे, तो ऐसा यूट्यूब शुरू की थी, हाँ जी अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्र है कि यूट्यूब सारी माशाल्लाह, वल सब 4-5 साल थे यूट्यूब पे होते थे 4-5 साल असर जेरा कुछ कमाए जो अपना 4-5 साल अर्निंग करने पे इन्हें बेसिकली जेरे वाले ऐसा कोई भी काम स्टार्ट करो सब थोड़ा टफ लगता है, उनके बाद जिन्हें जिन्हें ऐसा करे नहीं वो सब इजी ही लगता है, इन्हें इन्हें पहले अपनी वीडियो बनाई और कंफ्यूज होते हैं उनके बाद नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है कंफ्यूज, हां जी शुरू शुरू की एक दो साल तो भी स्ट्रगलिंग ही है, हां जी क्योंकि आसान तो नहीं है उसको ग्रो करना, बड़ी टफ होता है ना, बड़ी मेहनत। इन्होंने बहुत अच्छा बैकअप लिया, अच्छा पॉइंट लिया, अच्छा प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर बेस्ट ऑफ लक जो साउथ पंजाब में हैं वो ये दोनों कपल हैं, तो ये फिरोज भाई हैं, फिरोज भाई के साथ भाभी निशा खड़ी हैं, तो मेरी टीम निमरा जी और मैं भादी हैं, आप सब मुझे जानते हैं मैं क्या चीज हूँ, तो आज फिरोज भाई से पूछते हैं पहले तो आप बताएं क्या चीज़, तो आपको पता है मेरा नाम जो है आपका होस्ट पीके फ्री है, तो ये चीज मैं हूँ, तो फिरोज भाई से पूछते हैं कि इस कमर से में ये सामने आप लोगों को दिखाएंगे, फिरोज भाई का घर का भी व्यू दिखाएंगे, फिरोज भाई आएंगे हमें अपने घर के व्यू दिखाएंगे, ये भी देखेंगे जी फिरोज भाई की अपना बड़ी गाड़ी के ऊपर एपी विक्टे के ऊपर, तो फिरोज भाई ने कैसे कनेक्ट कर लिया? बस ये वो आप कहते हैं ना कि जो आपके किस्मत में होता है वो भाभी हुई बात, निशा भाभी कराची से है भाई आपको बताते चले, निशा निशा भाभी आई और सुरोज भाई आए, ये निशा भाभी मैं किस्मत होती है, किस्मत बस हमें ले आई, हमने एक दूसरे से बातचीत की थी फिर बस वो देख मोहब्बत में संजय पे बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर बात नहीं, लव मैरिज फैमिली रिलेशन नहीं है, यूट्यूब के ऊपर लवर बने हैं तो सोशल को फॉलो किया है, सोशल मीडिया को फॉलो किया है फिरोज भाई ने, और वहां से कराची देख लो साउथ पंजाब वालों कोटा उर्दू वालों, एक हमारे यंग जनरेशन एक हमारे स्मार्ट बॉय ने कराची से एक बहुत प्यारी हसीन निशा गुड़िया लेकर आए हैं, माशाल्लाह से हमारा आज का दिन गुजर गया और आज का दिन जो हमारे इंटरव्यू लेने आए थे भाई साहब तो वो वैसे तो बहुत ही फनी है और यानी फर्स्ट टाइम हमें मिले हैं उनसे बहुत अच्छा लगा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरव्यू भी हमारा हो गया है, तो अभी जी यहाँ पे मैं सब्जी काट कर रही, सब्जी नहीं आलू काट, तो सालन की तैयारी हो रही है, जाहिर सी बात है शाम का टाइम हो रहा है, इंटरव्यू में बिजी थे भाई बहुत लेट हो गए, तो इंटरव्यू कुछ आप लोगों ने यहाँ देखा है और कुछ फिरोज के ब्लॉग में देखा है और कुछ जो नहीं देखा तो वो आप इंटरव्यू वाले चैनल पर देख लीजिएगा, तो जल्दी से खाना बनाते हुए बड़ी खाने में क्या बना रही हूँ, आलू चिकन चिकन कहाँ पड़ा है,
चिकन अभी धोना है मैंने वो शॉपर में, आप जैसे लेके आए थे वैसे की वैसी पड़ा है। मैंने कहा पहले किचन साफ कर लेती हूँ ना, जो चाय से बनाई थी और सुबह के बच्चों के बर्तन भी थे, चाय से काट लो। नहीं ये हो गया, आपकी मशीन ने बड़ा मेरा जो है ना। हाँ ये मशीन वो खोल ली तुमने, मशीन अभी खोली है तो भाई ये मशीन में करवा के दी थी बेगम को ये वाली। मुझे ना बड़ी चलती है, चला के देखो। मैं चॉप कर ली है प्याज, ये सारे प्याज चॉप हुआ मैं, ये देखो बड़ा फंसी की मशीन। थैंक्स टू माय हस्बैंड, नहीं थैंक्स टू दिस मशीन, इन्होंने तो मंगवाई है लेकिन काम आसान तो इसने किया है। तो बाबा जल्दी से खाना बनाते हैं, बड़ी जोर शोर से भूख लगी है, बच्चे खेलने मसरूफ है, तो जब तक ये कि उनको दौरा पड़े इससे पहले मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और फिर खाते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। चलो भी ज़्यादा भूख लग रही है यार, जल्दी से खाना बना दो। बनाते हैं और बस ये चीज़ तो बहुत प्यारी है वैसे, ये चीज़ माशाल्लाह।